लापरवाही की या गलती की तो नौकरी खा जाऊंगा, सहायक कलेक्टर का यह सख्त रवैया देखने को मिला है। दरअसल जिले की मंडला और सिवनी बॉर्डर पर जायजा लेने पहुंचे सहायक कलेक्टर श्यामवीर से निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को लापरवाही करते हुए देखा, उसके बाद जमकर फटकार लगा दी। इस दौरान सहायक कलेक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि लापरवाही और गलती की तो नौकरी खा जाऊंगा। वहीं हमारे संवाददाता से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई पेशेंट तो नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा पूरी रखी जा रही है, पूरी एहतियात बरती जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है, परीक्षण भी किया जा रहा है, हिदायत भी दी जा रही है। अभी तक संयोगवश हमारा जिला अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमित कोई भी एक पेशेंट अभी तक हमको नहीं मिला है, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और हम लोगों ने पूरी कार्रवाई हम लोगों की सतत जारी है, 144 जैसे की धारा लगी हुई है, आप सब लोगों को पता है। मेरी आप सब लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि बॉर्डर का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे भी स्टाफ पूरी तरीके से दिन रात मेहनत कर रहा है, जो कि सब लोगों के नाम नंबर टेम्परेचर सब कुछ लिया जा रहा है, और जिससे कि हम लोगों को ये चेक हो सकेगा कि कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे जिले के अंदर तो नहीं घुस रहा है। तो इसी के लिए और बाकी सब लोगों से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि सब लोग अपने घरों में ही रहें, केवल ज़रूरत की बहुत ज़्यादा अत्यंत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। इससे आप लोग हमारा केवल हमारा सहयोग नहीं बल्कि पूरी जनता का सहयोग कर रहे हैं। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं। राज्य शासन ने जैसे कि अभी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बाहर से बसों को बंद किया है, तो ये राज्य शासन लेवल के हैं, देश लेवल के ऑर्डर हैं। इसमें मेरे स्तर से अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से ही जैसे ही ऑर्डर आएंगे उनका हम पूरी कड़ाई से पालन करेंगे।